मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम आत्माएं जीतने के बारे में देख रहे थे, और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहेजकेल नबी की पुस्तक में, पुराने नियम में भी प्रभु यहेजकेल से कहते हैं कि मैं तुझे पहरुआ ठहराता हूं, और जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उसको तू लोगों को कह दे, यदि वे बदलेंगे तो वे अपना जीवन बचाएंगे, और यदि नहीं बदलेंगे तो वे नाश तो होंगे, लेकिन इसका पलटा मैं तुझसे लूंगा कि तूने उसको सही वचन क्यों नहीं बताया। और जिसका वर्णन दो बार आया है, लेकिन मैं आपके लिए यहेजकेल की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और पद 16 से 21 तक वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। यहेजकेल नबी की पुस्तक तीसरा अध्याय पद 16 से आगे जो मैं पढ़ रहा हूं, वहां यूं लिखा है, 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उसकी सुधी न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। तू वचन कह दे। यदि लोग सुनकर परिवर्तित होंगे तो वे अपना प्राण बचाएंगे, लेकिन बगैर वचन के यदि वो मर गया तो वो अपने दुष्ट कामों से तो मर ही गया, लेकिन उसका लेखा मैं तुझसे लूं। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक मनुष्य के पुत्र का यह वचन पृथ्वी के छोर तक ना पहुंच जाए, मेरा आना संभव नहीं होगा, और जब वे वचन सुन ले तो उनके पास कोई बहाना भी नहीं होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वे जानते हैं और फिर उन्होंने इनकार किया, इसका बदला जो है मैं उनसे लूंगा। लेकिन यदि तुम प्रचार ना करो और ना चेताओ तो वे तो मरेंगे, लेकिन मैं उनका उनकी मृत्यु का पलटा तुमसे लूंगा, उसका हिसाब तुमसे लूंगा। यदि कोई व्यक्ति हमारे रहते हुए प्रभु को न जानने पाया, इसमें कई बार दोष हमारा भी रहे। सो प्रभु के इस वचन को हम और आगे देखेंगे, आए अपने अध्ययन पे चले। सो जैसा हमने देखा कि यहेजकेल को प्रभु ने दर्शन दिया और वो 7 दिन तक बैठा रहा, दुख में बैठा रहा, और इस दर्शन के बाद में प्रभु ने उससे कहा कि खड़ा हो, मैं तुझे अपने लोगों के ऊपर पहरा देने वाला ठहराता, और इस शहर पर तेरी आंखें लगी रहे, सब लोगों को कहते सुनाना, और ये
कि प्रभु क्या कहता है, प्रभु क्या चाहता है, और दुष्ट को चेताना, और दुष्ट को चेताना कि वो अपनी दुष्टता से फिर करके, अपने दुष्ट कामों को छोड़ करके जो है प्रभु के पास आ जाए। और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी दुष्टता में पड़ा हुआ फंस कर मर जाएगा। लेकिन मैं उसका लेखा तुझसे न लूंगा, क्योंकि तूने उसको चेता दिया था, प्रभु का वचन बता दिया था। लेकिन यदि तूने उसको मेरा वचन नहीं बताया और वो अपनी दुष्टता में फंस करके मर गया, तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा, उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। वैसे ही यदि धर्मी जन अपने मार्ग से फिर जाए और तू उसे चेता दे और वो अपने मार्ग पर वापस लौट करके आ जाए, तो उसका प्रतिफल वो तो पाएगा ही, और मैं उसका लेखा तुझसे नहीं लूंगा। लेकिन यदि धर्मी जन फिर जाए अपने मार्ग से और तू उसे न चेताए, तो वो तो अपने दुष्टता में मरेगा, लेकिन उसका उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा, क्योंकि तूने उस पर मेरा वचन प्रकट नहीं किया। और देखे प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है कि अंतिम न्याय के पहले प्रभु का नाम सब लोग पृथ्वी के छोर तक जान लें, और जो उस पर भरोसा करे वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए। लेकिन यदि आपने नहीं चिताया और वो अपनी दुष्टता में मर गया, तो उसका कुछ हद तक जिम्मेवार हम भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। और प्रभु ने यहेजकेल को यही कहा। और यहेजकेल वो नबी था जिसने प्रभु का दर्शन देखा था, साक्षात प्रभु को देखा उसने, जिसका वर्णन पहले और दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में भी पाया जाता है कि प्रभु को मैंने ऊंचे पर देखा, और जो है प्रभु यहेजकेल से सीधी सीधी बात करता, और वही प्रभु आज अपने लोगों से बात करता, अपनी कलीसिया से बात करता। और प्रभु चाहता है कि आप और मैं लोगों को चेता दें ताकि वे अपने मार्ग से फिरकर प्रभु के पास आए। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों की चिंता करते हैं, आपने अपने दासों को भेजा और जिन्होंने लोगों को चिताया, प्रभु हम उनके परिणाम हैं कि आपने हमारे जीवनों को बदला प्रभु। और अब आप हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम दूसरों को चेताएं, उनको बताएं, और यदि वे अपने दुष्ट मार्ग को छोड़ करके आपके पास आ जाएं, तो वे न सिर्फ अपने जीवन को बचाएं वरन हमेशा हमेशा के लिए बचाएं। और वे लोग जो पीछे चले गए, वे यदि वापस आ जाते हैं तो फिर से अपने जीवन को बचाएं, और जो आप में पाए जाते हैं वे आप में पाए जाते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप अपने लोगों की इतनी चिंता करते हैं, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर I am the Lord, there is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.